तो हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल। सो आज 17 मार्च को था पेपर हमारा 12th बायोलॉजी महाराष्ट्र बोर्ड का। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उसका क्विक एनालिसिस और उसके क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यू और वन लाइनर देखेंगे। बाकी के जितने भी क्वेश्चन हैं उसके आंसर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए थे, यहाँ पर आपको देखते हो सेक्शन ए। सबसे पहले एमसीक्यू देख लेते हैं। तो सबसे पहला है हाउ मेनी मियोटिक एंड मिटोटिक डिविजन्स अकर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। सो इसका सिंपली आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 मियोटिक एंड 2 मिटोटिक। बहुत जगहों पर आपको इंटरनेट पर सी वाला दिखेगा, 2 मिटोटिक ओनली, ये ऑप्शन राइट दिखेगा, बट ए है नहीं। इसका आएगा ए, 1 मियोटिक एंड 2 मिटोटिक, क्योंकि देखो 1 मियोटिक यानी कि जो प्राइमरी सेल होता है वो डिवाइड होता है तो फिर मदर सेल बनता है, देन उससे वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल बनते हैं। तो इस तरह से 1 मियोटिक एंड 2 मिटोटिक ये आएगा इसका आंसर। देन सेकंड है ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए दी सेपरेटेड स्ट्रैंड्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम रिकॉइलिंग बाय यूजिंग। सो इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन SSBP प्रोटीन। देन थर्ड है इसका क्या है, तो देखो यहाँ पर अगर आप ये वाला डायग्राम देखोगे, ये वाला सिंबल देखोगे तो समझ जाओगे, ये यहाँ पर उल्टा घूम रहा है, और ये ABCD का सीक्वेंस देखोगे तो इससे भी समझ जाओगे ABCD और यहाँ पर उल्टा है, तो इसका आ जाएगा इन्वर्शन यानी कि उल्टा हो जाता है। उसके बाद फोर्थ है डैश हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर एफ्लक्स ऑफ यहाँ पर पोटेशियम आयन फ्रॉम गार्ड सेल। सो इसका आ जाएगा एब्सिसिक एसिड डी। सो इसे एंटी ट्रांसपेरेंट भी कहते हैं। देन पांचवा ए वाला MCQ तो यार किसी का गलत होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमें 8वीं से 10वीं से पढ़ते आ रहे हैं कि IVF क्या होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी यानी कि IVF टेक्नोलॉजी। सो इसका आएगा टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक इज कॉल्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF, ए वाला ऑप्शन। देन छठवा है, देखो यहाँ पर बहुत लोग आई थिंक कन्फ्यूज हो गए होंगे, वाइल्ड प्लेइंग क्रिकेट राजू फेसेस प्रॉब्लम ऑफ सेवियर पेन एंड हैवीनेस इन द चेस्ट। सो देखो ए लाइन पढ़ने पर ही आपको आंसर मिल जाना चाहिए था। देखो यहाँ पर चेस्ट यानी कि हार्ट के पास का कुछ प्रॉब्लम होगा। सो देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। तो मलेरिया, मलेरिया यार हार्ट से तो रिलेटेड कहीं से भी नहीं है, मलेरिया में मच्छर काटता है, बुखार हो जाता है। देन किडनी फेलियर, एक किडनी पीछे हमारे बैक पेन होगा, पैरों में सूजन होगी, हार्ट में कुछ तो दर्द नहीं होगा। देन टाइफाइड, इसमें भी बुखार हो जाता है इस बीमारी में। सो बचा क्या, बचा हमारा बी, एंजिना पेक्टोरिस। सो इसका सिंपली आ जाएगा एंजिना पेक्टोरिस, इसमें रिड्यूस ब्लड सप्लाई के कारण हमें चेस्ट पेन होता है जो शोल्डर में और हाथ के थोड़े हिस्से में फैलता है। सो इसका आ जाएगा बी। देन सातवा है डैश लेयर इज इन क्लोज कॉन्टेक्ट ऑफ CNS इन ह्यूमन बींग। सो सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन में क्या है, क्रेनियम, क्रेनियम कोई लेयर नहीं है, ये तो हमारा बोन है यानी कि हमारा खोपड़ी जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, तो ये वाला ऑप्शन पहले ही कट हो जाएगा। देन ड्यूरा मेटर, ये तो आउटर लेयर है। देन अर्किनॉइड मेटर, ये उसके बीच का, तो बचा क्या, पिया मेटर। सो डी ऑप्शन आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का, पिया मेटर लेयर इज इन क्लोज कॉन्टेक्ट ऑफ CNS इन ह्यूमन बींग। देन अगला है आठवां, सेलुलर फैक्टर्स इन इनेट इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय। सो इसका आ जाएगा ए, फेजोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट, इसमें बहुत लोगों ने इसमें से कुछ लिखा होगा बट ये नहीं आएगा, इसका ए वाला आएगा, ए फेजोसाइट्स। देन नोवा है पिक आउट द एप्रोप्रिएट एसोसिएशन रिप्रेजेंटिंग ब्लड प्रेसिडेंस। सो देखो ये आपका यहाँ पर दिया था एक अलग से बॉक्स बनाकर, बफेलो एन केटल एग्रेट, ये तो आएगा ही नहीं, एक कॉमेंसलिज्म है, अलगा एन फंगी ए म्यूचुअलिज्म है, हर्मिट क्रैब एंड सी एनिमोन ए म्यूचुअल ए कॉमेंसलिज्म है। सो बचा क्या, एशियन कोयल एंड कॉमन इंडियन क्रो, यानी कि कोयल जाके उसके उसके घोंसले में अंडा दे देती है, देन जो भी बच्चा होता है उसको वही अपब्रिंग करता है। सो इसका आ जाएगा 9th का बी, एशियन कॉयल एंड कॉमन इंडियन क्रो। देन 10th MCQ है अनिलिंग स्टेप ऑफ PCR ऑपरेटेड। तो इसका आएगा बी, 40 to 60, 90 to 98 पे डीनेचुरेशन होता है यानी कि टूटता है पहला सिंगल स्ट्रैंड, देन 70 to 75 पे जो सिंगल स्ट्रैंड है उसका दूसरा स्ट्रैंड बनता है, एंड 100 to 120 ये है ही नहीं टेम्परेचर। सो सिंपली 10वें का आ जाएगा बी, 40 to 60 degree। तो आप कमेंट करके बताइए कि MCQ में आपको कितना मिला। देन वन लाइनर देखते हैं, नेम द पार्ट ऑफ गाइनेशियम दैट डिटरमाइन द कंपेटेबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन। तो आपने पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन ए वाला पार्ट पढ़ा होगा, जिसमें जो पिस्टिल होता है गाइनेशियम का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, वो जो कंपेटेबल पोलन ग्रेन होता है उसको ही अलाउ करता है। सो इसका आ जाएगा पिस्टिल, पिस्टिल डिटरमाइन द कंपेटेबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स।
देन विच इज़ द प्राइमरी प्रीकर्सर ऑफ आई ए ए इंडोल एसेटिक एसिड इन प्लांट। सो ये वाला क्वेश्चन मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर टेस्ट में लिया था और कम्युनिटी पोस्ट पर पोस्ट भी किया था। तो इसका आ जाएगा आपका ट्रिप्टोफैन, जो प्राइमरी प्रीकर्सर है ऑक्सिन का और इंडोल थ्री एसेटिक एसिड का। थर्ड है नेम दिस सेल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन साइनोबैक्टीरिया। तो इसका आ जाएगा हेटेरोसाइट्स, HETEROCYSTS। देन फोर्थ है हाउ मेनी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, सो इसका 34 है। नेम द प्लांट विच इज कॉज्ड बाय एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस। तो ये आपका 12th नंबर का जो चैप्टर है उसके एमसीक्यू में पहला एमसीक्यू यही था। सो इसका आएगा क्राउन गोल, यानी कि प्लांट में प्लांट ट्यूमर भी बोलते हैं। सो क्राउन गोल आपको यहाँ पर लिखना था। देन अगला है छठवा, आइडेंटिफाई दी ट्रोफोब्लास्ट सेल विच आर इन कॉन्टेक्ट विथ एम्ब्रोनल लॉब ड्यूरिंग अ ब्लास्टुलेशन। सो इसका आ जाएगा आपका सेल ऑफ रोबर, जो ब्लास्टुलेशन गैस्टुलेशन वो जो पार्ट था ना एम्ब्रोनल डेवलपमेंट का, उसमें यहाँ पर आपको दिया था ब्लास्टुलेशन वाले पार्ट में। देन अगला है फ्रॉम द गिवन डायग्राम आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व। सो आई थिंक आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए था कि ये एक्सपोनेंशियल है या फिर लॉजिस्टिक है। सो ये जो ग्रोथ कर्व है, ये जो चार्ट है, ये जो ग्राफ है, ये आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व है, क्योंकि देखो इसमें डायरेक्ट बढ़ते ही जा रहा है। अगर जो ग्राफ का लाइन है अगर जाके थोड़ा इसे मुड़ा रहता ना तो ये लॉजिस्टिक होता। एक्सपोनेंशियल यानी कि अनलिमिटेड रिसोर्स में वो बढ़ते ही रहता है। अगर यहाँ पर देखो ये जो काला लाइन है अगर जाके आगे से इसे मुड़ा रहता ना तो यहाँ पर लॉजिस्टिक या फिर पॉल हर्स्ट आता, बट यहाँ पर मुड़ा नहीं है, ये सीधा ऐसे ही है, तो इसलिए यहाँ पर आएगा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। देन आठवां यहाँ पर वन लाइनर दिया है, व्हाट डू यू मीन बाय पायोनियर स्पेशीज। तो पायोनियर स्पेशीज यानी कि जो सक्सेशन का प्रोसेस चालू करते हैं किसी एरिया में, ये यहाँ पर आपको लिखना था। देन सेक्शन बी यहाँ पर आपको दिया है आइडेंटिफाई ए बी सी डी। तो यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का दिया है एक फोटो डायग्राम दिया है और यहाँ पर लेबल करना है जो भी अल्फाबेट दिया है। तो मैंने देखो कहा था कि जितने भी चैप्टर के बीच में कलरफुल पार्ट हैं बॉक्सेस दिए हैं, डू यू रिमेंबर कैन यू रिकॉल करके वो पढ़ लो, उसमें से आ सकता है। तो ये वाला जो आपका ए पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये बॉक्स में दिया था आपको करने के लिए, तो ये आया है यहाँ पर। सो देखते हैं कैसा लेबलिंग आएगा। सो ए यहाँ पर आपका टेस्टिस है, टेस्टिस टेस्टेस नहीं, टेस्टेस यानी कि दोनों को मिला के बोलते हैं प्लूरल और सिंगुलर टेस्टिस, तो यहाँ पर इसका टेस्टिस आएगा। देन बी का आएगा वॉस डिफरेंस, डी का आएगा आपका प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सी का आएगा सेमिनल वेसिकल। सो आगे देखते हैं क्या है। आगे भी आप देख सकते हो कि आइडेंटिफाई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कॉज ड्यू टू नॉन रिस्ट्रिक्शन ऑफ 21st नंबर। सो 21st यानी कि कौन सा आपका आएगा डाउन सिंड्रोम, जिसे हम 21st ट्राइसोमी भी कहते हैं। एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, 46 की जगह 47 हो जाता है। उसके बाद राइट द एम्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोडक्ट, ये आपको लिखना था, यानी कि ह्यूमन जीनोम सिक्वेंसिंग आपका चैप्टर नंबर 4 में है आई थिंक। देन क्वेश्चन नंबर 6, एग क्या किससे बनता है, एम्ब्रियो से, न्यूसेलस किससे बनता है, पेरिस्पर्म से, आउटर इंटेगमेंट। सो ये आपको यहाँ पर मैच द फॉलोइंग करना था। देन एनालिस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नियंडरथल मैन, इसमें आपको सबसे पहले देखना था कि उसका फॉसिल कहाँ पर पाया गया था, उसका पोस्चर क्या था, अपराइट पोस्चर, इरेक्ट पोस्चर, क्या उसका पोस्चर था, उसका क्रेनियल कैपेसिटी था कितना सीसी, उसका कैपेसिटी था क्रेनियल, देन उसका कुछ स्पेशलिटी आपको लिखना था। सो उसके बाद डिफाइन द फॉलोइंग ग्रेविटेशनल वाटर, कंबाइंड वाटर, हाइग्रोस्कोपिक एंड कैपिलरी, जो कि इसी इसी था वन लाइन, ग्रेविटेशनल यानी कि जो ग्रेविटी के कारण बहुत ही अंदर होता है, हाइग्रोस्कोपिक जो पोर्स में होता है, कंबाइंड वाटर जो कि हाइड्रेटेड ऑक्साइड ऑफ सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम होता है, कैपिलरी। सो ये सब आपको लिखना था यहाँ पर। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, एक सॉल्वेंट होता है और बहुत सारे इसका आप देखो न्यूट्रल होता है रूम टेम्परेचर पर। सो यहाँ पर आप देखो तो क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, अ पर्सन मेट विद अ स्मॉल एक्सीडेंट एंड ब्लीड बट वेरी सून स्टॉप ब्लीडिंग, एक्सप्लेन द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो यहाँ पर आपको ब्लड क्लोटिंग के बारे में लिखना था कि ब्लड क्लोटिंग के कारण ये हो पाया है। सो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, मैच द एंटीबायोटिक्स इन कॉलम 1 विद देयर माइक्रोबियल सोर्सेस। सो कौन सा एंटीबायोटिक कहाँ से मिलता है ये लिखना था। देन क्वेश्चन नंबर 12, एफसीसी केसर इज अ कॉमन नेम गिवन टू टू आइडेंटिकल सब्सटेंसेस। देन क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 14, गिव दी एडेप्शन शोज बाय डेजर्ट एनिमल्स। सो ये आपका लिखना था। सो उसके बाद सी वाले में देखते हो नेचुरल सिलेक्शन विद एग्जांपल ऑफ इंडस्ट्रियल मिलिनिज्म।
एंड क्वेश्चन नंबर 16 डिस्क्राइब फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ गैसियस हार्मोन. सो गैसियस हार्मोन कौन सा है यहाँ पर आपका प्लांट्स में? इथिलीन, सिंपल हाइड्रोकार्बन गैसियस. यहाँ पर आपको उसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है कि फ्रूट राइपनिंग में उसका हेल्प होता है, वो सब आपको लिखना था. उसके बाद इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, जो भी आपके वेरियस स्टेजेस हैं, सीरियल स्टेजेस, पायोनियर्स से क्लाइमेक्स कम्युनिटी के बीच में क्या होता है वो लिखना था. हाइड्रार्क यानी कि आपका वाटरी एरिया में कैसे सक्सेशन होता है. तो सबसे पहले फ्लोटिंग, फ्री फ्लोटिंग, उसके बाद रेड स्विम, टाइफाइड, सब जो था ना कि कौन कौन सा स्टेज होता है, मार्च में डो, ये सब लिखना था. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पर देखो आपको डायग्राम बनाना था रूट हेयर का. सो रूट हेयर के बारे में उसका लेयर वगैरह हो गया, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यू सेल्स वगैरह जो भी हो गया, यहाँ पर आपका वैक्यूल सब लिखना था. देन क्वेश्चन नंबर 19 है कंप्लीट द फॉलोइंग फ्लो डायग्राम्स. देखो यहाँ पर आपका हार्ट कैसे फ्लो, राइट एट्रियम से आपका देखो राइट वेंट्रिकल्स में आता है, उसके बाद यहाँ पर लेफ्ट लेफ्ट एट्रियम. सो ये सब आपको लिखना था. उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन हाइपरथायरॉयडिज्म एंड हाइपो. सो हाइपर यानी कि ज़्यादा, यानी कि हाइपो मतलब कम, थायरॉयडिज्म यानी कि थायरॉयड के जो हार्मोन होते हैं उसका. देन DNA फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ क्या होता है, यीन सीतु एक सीतु. देन कॉजिटिव एजेंट मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड. सो टाइफाइड यानी कि जो सेल्मोनेला टाइफी जिससे होता है उसके बारे में लिखना था, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है. सो ये आपका यहाँ पर लिखना था. देखो यहाँ पर डायग्राम तो नहीं पूछा गया है, बट अगर आपने वो डायग्राम बनाया होगा सेल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया का, सो आपको वहाँ पर पूरा मार्क्स बहुत अच्छे से मिलेगा, क्योंकि इससे ना टीचर पर एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ता है. डायग्राम नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, अगर बनाया होगा तो बोल रहा हूँ. देन विटामिन B2 किससे प्राप्त होता है, फ्यूमेरिक एसिड, विटामिन B12, लाइपेस, सेल्यूलेस, सिट्रिक एसिड. देन एक्सप्लेन एनी 3 एग्जाम्पल ऑफ बायोपायरेसी. सो यहाँ पर देखो बायोपायरेसी वाला क्या था, आपका बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर में लास्ट में दिया था कि बहुत सारे जैसे अमेरिकन कंपनी थे, उन्होंने बासमती जो कि इंडिया में ग्रो होता था, इंडिया सब कॉन्टिनेंट में, उसका पेटेंट ले लिया था धोखे से. और नीम के जो प्रॉपर्टीज हो गया, फंजीसाइडल प्रॉपर्टी हो गया, बैक्टीरियल प्रॉपर्टी नीम का, उसका पेटेंट बनवा लिया था. तो ऐसे 2-3 आपको लिखने थे. देन क्वेश्चन नंबर नीम का हो गया, हल्दी का हो गया, ये जो 3 थे 2-3 यहाँ पर आपको लिखने थे. लास्ट के आपके बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर के लास्ट पेज पर थे आपके, ये आपने देखा होगा. देन सेक्शन नंबर D है क्वेश्चन नंबर 27, विद द हेल्प ऑफ नीट लेवल डायग्राम डिस्टिंग्विश बिटवीन आर्टरी एंड वेन. सो ये आपको यहाँ पर वही बनाना है, उसके बाद बनाना था आपको ट्यूनिका, इंटरमीडिया, इंटरना वगैरह, ल्यूमेन हो गया, जो भी आपको थे वो सब पार्ट शो करने थे अच्छे से. सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है, स्टेट द नेम ऑफ हार्मोन एंड ग्लैंड सीक्रेटिंग देम. सो ग्रोथ ऑफ थायरॉयड ग्लैंड कंट्रोल्स ट्यूबुलर अब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर इन किडनी. Then stimulate liver and muscle for glycogenesis, development of immune system and maturation of T lymphocytes. So यहाँ पर देखो ये जो भी particular function है कौन से hormone के under होता है और उस hormone को कौन secrete करता है, ये आपको यहाँ पर लिखना था कि जैसे thyroid gland जो है उसका growth किससे होता है, तो thyroxine hormone I think आपका यहाँ पर है. उसके बाद control tubular absorption of water in kidney, ये लिखना था. Then stimulate liver and muscle for glycogenesis, development of immune system and maturation of T lymphocytes. So ये सब आपको यहाँ पर लिखना था. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, describe outbreeding devices which encourage cross pollination. So यहाँ पर आपको प्लांट वाले में लिखना था, हेट्रोगेमी वगैरह जो था सब. देन क्वेश्चन नंबर 30, explain the law of dominance and compare how it differs from incomplete dominance and codominance. Describe hormonal control in various phases of menstrual cycle. So ये था आपका पेपर. ओवरऑल पेपर जो था मॉडरेट लेवल तक था, हार्ड नहीं था, इजी टू मॉडरेट इसको हम कह सकते हैं. जिसने अगर पूरा बुक अच्छे से पढ़ा होगा, एक्सरसाइज प्लस हमारा बीच चैप्टर का अंदर पूरा पढ़ा होगा, सो उसके लिए तो बहुत ईजी है. और बाकी अगर बात की जाए तो ये चैप्टर, ये जो हमारा पेपर है, मॉडरेट लेवल इसको बोल सकते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं था. सो बस यही था आज का वीडियो. MCQ और वन लाइनर हमने देख ली हैं, बाकी के आंसर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाने वाले हैं. टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है. मिलते हैं किसी वीडियो में. वीडियो तो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.